एवरीवन, दिस इज क्रूडी योगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आ गया हूँ अपनी नानी के घर दोबारा से, क्योंकि आज मैं प्रभास के साथ फुटबॉल खेलने आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रभास के लिए कुछ लेके चलूँ। और मेरे यहाँ थोड़ा सा केओस चल रहा था फिशेस के साथ। आज मैंने थोड़ा सफाई वगैरह भी करी अपने टैंक्स की, और मैंने देखा कि जो मेरे सेवरम फिश है उनके साथ थोड़ा सा अन्याय चल रहा था, या फिर बोलूँ वो एक साथ लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रभास के पास जगह है तो मैं उसको अपने सेवरम फिशेस दे दूँ। और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पोलर पैराइट फिशेस के बेबीज भी थे, तो आज मैं प्रभास को वो सारे के सारे बेबीज दे रहा हूँ। और इस बैग में है वो सारी की सारी सेवरम फिश। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। बैग थोड़ा सा बाहर से गंदा है। और ये देखो इसमें है 3 पेयर पोलर पैरेट फिशेस के, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। एंड प्रभास का पॉन्ड देखो कितना ज्यादा ओपी लग रहा है, और सिकलेट्स बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं पॉन्ड में। ये बिल्कुल एक नेचुरल हैबिटेट बन गया है। फिल्टर देखो, और ये प्लांट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और एल्गी देखो यार, क्योंकि अमूना सिकलेट्स को एल्गी पसंद होती है, और इस सेटअप में एल्गी बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गई है। एंड ये एल्गी के ऊपर अपना मुंह चलाते रहते होंगे और एल्गी को खाते रहते होंगे। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, एंड मेरी उंगली पे भी आ रहे हैं वो। मुझे लग रहा है प्रभास ने इनको अच्छी तरीके से हैंड ट्रेन भी कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा ओपी लग रहे हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये पॉन्ड आपको कैसा लगा, और क्या आप भी बनाना चाहोगे ऐसा एक DIY पॉन्ड। अगर आपको बनाना है तो मैं यहाँ पे उस ट्यूटोरियल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेकआउट करना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये देखो क्या ही अच्छा लग रहा है ये पॉन्ड। इस पॉन्ड के मैं कुछ अंडर वाटर शॉट्स दिखाता हूँ आपको। सो इस सेटअप में हमने सिकलेट्स के नेचुरल एनवायरनमेंट को भरपूर तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। हमने उन्हें दिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट्स और बहुत ज़्यादा केव स्ट्रक्चर, जहाँ पर एल्गी भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। एंड अमोना सिकलेट्स एल्गी ग्रेज करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, एंड वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपना साइज भी ग्रो कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में वो यहाँ पर ब्रीड भी कर सकते हैं। इसका अंडर वाटर शॉट कैसा लगा आप मेरे को बताना जरूर। एंड उसके बगल पे ही हमने बनाया था एक DIY मिनी पॉन्ड, जो कि और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है सेटअप। इसमें देखिए साल्विनिया एंड डकवीड, एंड इसमें पोथोस भी है जिसे मनी प्लांट कहते हैं। एंड इसमें एक छोटी सी फिश है, वो रही आपको दिख रही होगी वहां पे, एंड वो भी शायद प्रेग्नेंट है, और इस सेटअप में वो जल्दी से बच्चे दे देगी। एंड इन फिशेस के लिए मैं अभी लेके आता हूँ एक बाल्टी, जिन्हें में हम इन दोनों फिशेस को एक्लिमेट करेंगे। इसमें पोलर पैरट्स हैं और सेवरम फिशेस भी हैं। सो मैं लेके आता हूँ बाल्टी एंड उनको निकालते हैं और देखते हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो मैं लेके आ गया हूँ बाल्टी, अब जल्दी से इन फिशेस को इसमें डालता हूँ और फिर करता हूँ एक्लिमेट की प्रोसेस चालू। 1 2 सो निकाल दिया मैंने सारी की सारी फिशेस को। मैं आपको एक बार सेवरम्स के कलर दिखाता हूँ। ये देखो कितने सुंदर है, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। दूसरे वाले का भी कलर दिखाता हूँ। ये देखो इसका टेक्सचर कितना प्यारा है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर फिश है ये। एंड इसमें मेरे पोलर पैरेट फिशेस के बेबीज भी हैं। ये देखो ये कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं, और प्रभास भाई भी आ गए। प्रभास भाई जल्दी से एक मग लेके आ जाओ, जिससे हम इस वाले सेटअप से पानी इसमें डाल पाएं इनको एक्लिमेट करने के लिए। एंड एक्लिमेट की प्रोसेस करेंगे हम अराउंड 15 मिनट्स के लिए। अगर आप कोई न्यू फिश लेके आते हैं तो उसे अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए एक्लिमेट कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर के बाद। एंड अब हो गए हमारे सिकलेट्स फुल्ली एक्लिमेट अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए, एंड इनको करेंगे जल्दी से अपने पॉन्ड में ऐड। सो फिशेस को कर दिया है मैंने पॉन्ड में ऐड, एंड आज इनको सेटल होने देंगे इनके टैंक में।
एंड कल सुबह मिलता हूँ मैं आपसे इनको जब हम फीड करेंगे। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और धूप देखो बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, एंड पॉन्ड देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, और फिशेज एकदम पीसफुली तैर रही हैं, एंड हम अपनी सारी की सारी सिकलेट्स देख सकते हैं, एंड ये भूखे भी हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। एंड मैं इनका फूड भी लेकर आया हूँ, तो इनको फीड करेंगे अभी, एंड इनका रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे आप सभी के लिए। सो थोड़ा सा फूड यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगा, और वो देखो सिकलेट्स कैसे पागल होके फूड पे टूट रहे हैं एकदम। थोड़ा फूड स्प्रेड कर देता हूँ। ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी फिशेस को ऐसे फीड करते हुए देखकर, और कोई भी एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे हैं, और सेटअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड पर्सनली मुझे सिकलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब वो खाने के लिए ऊपर आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं एकदम से ऐसे ऊपर आते हैं फिर एकदम से नीचे चले जाते हैं, एंड उनके कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं। मुझे वाइट वाले सिकलेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और येल्लो वाले भी काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। तो आपको ये फिशेस कैसी लगी और ये वाला व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।